ऐसा कोई जिला नहीं जो इनसे हिला नहीं, ये है पटना की पारो। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षराज सिंह के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्षरा सिंह कभी फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, लेकिन आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। नमस्कार, मैं पूजा साहू और आप देख रहे हैं ई गॉसिप्स। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार अक्षरा सिंह उन एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्होंने कम समय में अपने टैलेंट के दम पर जगह बनाई है। आज भोजपुरी फिल्मों में अपना नाम का डंका बजवा रही अक्षरा सिंह कभी ऐसी दौर में भी थी जब उन्हें फिल्मों में जगह बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। जी हाँ, वो भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन के कहने पर फिल्मों में आई है। अक्षरा सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था, उनके माता पिता भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए स्टार्स का अक्सर घर पर आना जाना होता रहता था। एक दिन रवि किशन घर पर आए और उन्होंने अक्षरा को फिल्म सत्यमेव जयते में काम करने का ऑफर दे डाला और अक्षरा सिंह रवि किशन को मना नहीं कर पाई। उन्होंने फिल्म करने के लिए अपनी हामी भर दी। बस फिर क्या था, इस फिल्म के बाद अक्षरा को कई फिल्मों के ऑफर मिले और इस तरह वो फिल्मों में काम करने लग गई। अक्षरा के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक सत्यमेव जयते, हमार देवदास, एक बिहारी सो पे भारी, सौगंध गंगा मैया के, बिगुल, प्रतिघात, बेताब, ठोक देव, धरती के लाल, दिलेर, निरहुआ रिक्शा वाला 2 जैसी कई फिल्मों में काम किया है। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह एक्टिंग के साथ साथ अपनी सिंगिंग का जलवा भी बिखेर चुकी है। उनके आए हर गाने सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। अक्षरा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सक्सेसफुल रही है, उनकी पर्सनल लाइफ में उतनी ही मुश्किलें आई। अक्षरा सिंह भी प्यार और ब्रेकअप के दर्दनाक दौर से गुजर चुकी है। अक्षरा सिंह की भोजपुरी के ही जाने माने एक्टर पवन सिंह के साथ अफेयर की खबरें काफी सुर्खियों में रही थी। दोनों की जोड़ी को पर्दे पर काफी पसंद किया जाता था, लेकिन इस रिश्ते का अंजाम काफी दर्दनाक रहा। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनके लिंकअप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि मैं पवन सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। अक्षरा ने कहा कि ब्रेकअप के बाद वो बुरी तरह टूट गई थी। उन्होंने कहा कि मैं डिप्रेशन में थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास मरने के अलावा कुछ नहीं बचा था, जिसके बाद मेरे पिता ने मुझे समझाया। पवन सिंह और अक्षरा के रिश्ते में इतनी दरार आ गई थी कि एक्ट्रेस ने दरभंगा के कार्यक्रम में आरोप लगा दिया था कि कुछ लोग उनका करियर खत्म कर देना चाहते हैं। इसके बाद जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने पवन सिंह का नाम ले लिया। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह पहली बार फिल्म सौगंध गंगा मायके में पवन सिंह के साथ नजर आई थी, तभी से दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थी।